सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले। अंकुश की मौत के बाद हवेली में गहरा सन्नाटा छा गया। आदेश की गहरी लाल आंखें और ज्यादा डरावनी लग रही थी। मुंह से टपकता हुआ खून, माथे पर चिंता की लकीर। उसकी यह हालत देखकर रतिबाला से रहा नहीं गया और वो उसके करीब आकर बोली, क्या बात है, तुम परेशान दिख रहे हो। आज तो जश्न होना था मगर यह मातम है। जश्न होगा, जरूर होगा। जैसे ही अंतिम बलि दी जाएगी तब जश्न होगा, मगर मैं उस बलि के लिए चिंतित हूँ। इंसानों की इस भीड़ में उस खास इंसान को ढूंढना मानो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। अमावस्या को कुछ ही दिन बाकी है, सब कुछ कैसे होगा। तभी शैतान की मूर्ति में से आवाज आने लगी, शैतान का राज दुनिया पर कायम रहे, तुम्हारी परेशानी का हल मेरे पास है। अगली बलि एक लड़की की होगी, उसके कंधे पर ओम लिखा होगा। उस तक पहुंचने के लिए तुम सभी के अंदर की शक्ति तुम्हारी मदद करेगी, तुम खुद उसकी ओर खींचे चले जाओगे। जाओ ढूंढो उस लड़की को। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, बलि के लिए उसे इस महल में स्वयं आना होगा। जबरदस्ती करके लाने पर शैतान बलि स्वीकार नहीं करेगा। शैतान के कहते ही ढेर सारी चमगादड़ उड़कर उस लड़की को ढूंढने के लिए हवेली से बाहर निकली। आदेश, अब तो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, शैतान भी तुम्हारे साथ है। मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर विश्वास नहीं है, जाओ और जाकर उस लड़की को ढूंढो। आदेश के कहने पर रतिबाला भी एक चमगादड़ के रूप में बदल गई और उस लड़की को ढूंढने के लिए हवेली से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ गोवा में कुछ लोग बीच पर मस्ती कर रहे थे। आन्या, देख इधर, ये क्या है? क्या हुआ, क्या है? सी टैटू, चल बनवाते हैं। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाऊंगी, तू करवा ले, मुझे ये सब पसंद नहीं। यार तू भी ना पुराने जमाने के लोगों की तरह बात मत कर, चल मेरे साथ। रीमा आन्या को खींचकर अपने साथ टैटू बनवाने के लिए ले गई। एक और रीमा ने जहाँ अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिखवाया, वहीं आन्या ने अपने कंधे पर ओम लिखवाया। तभी उसके फोन पर किसी का फोन आया। रीमा, मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा, प्रोफेसर का फोन था। वाइल्ड लाइफ रिसर्च के लिए हम लोगों को देहरादून के जंगलों में जाना है। तेरा बढ़िया है, दो दिन की छुट्टी में गोवा घूम ली और अब पढ़ाई के नाम पर देहरादून। एंजॉय योर ट्रिप। कहाँ का एंजॉय, जंगली जानवरों के बीच दिन कहाँ और रात कहाँ पता ही नहीं चलता। कब किसका भोजन बन जाऊं भगवान भरोसे, जिंदा रहे तो मिलेंगे, बाय। आन्या देहरादून के जंगलों में अपने प्रोफेसर के साथ वाइल्ड लाइफ के बारे में रिसर्च कर रही थी। सभी दूर तराशने के बावजूद रतिबाला को किसी भी लड़की के कंधे पर ओम नजर नहीं आया और ना ही किसी लड़की को लेकर ऐसी वाइब्स आई कि वह उसकी ओर आकर्षित हो। ना जाने वो लड़की कहाँ छुपी होगी जिसके करीब जाने पर मुझे कोई खास एहसास होगा। रतिबाला उड़ते हुए जब जंगल पर से जा रही थी तो उसके पंख विपरीत दिशा में उड़ने पर मजबूर कर रहे थे। ये क्या हो रहा है, मैं किधर जा रही हूँ? वह बड़ी मुश्किलों से अपनी हवेली पहुँची। रतिबाला, तुम इतनी जल्दी वापस आ गई, उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? रतिबाला गर्दन झुकाकर खड़ी थी। आदेश अपने असली रूप में आ गया और उसने उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। इतना छोटा सा काम दिया था वो भी तुमसे नहीं हो पाया, लगता है उम्र के साथ तुम किसी काम की नहीं हो। लानत है तुम्हारे वैम्पायर होने पर। मुझे माफ कर दो आदेश, मगर ना जाने क्यों जैसे ही मैंने जंगल में प्रवेश किया, जंगल के अंदर आना मुश्किल हो रहा था, मानो कोई मुझे प्रवेश करने से रोक रहा था। ये क्या कह रही हो तुम, जंगल में प्रवेश करने से रोक रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की जंगल में ही कहीं आसपास हो? आप फिक्र न करें, जल्द ही वो लड़की आपकी सेवा में हाजिर होगी। अगले दिन आन्या किसी पौधे को करीब से देखकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। तभी अचानक से तेंदुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथों से कॉपी पेन नीचे गिर गए, वह डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी तेंदुआ और उसके करीब एक शख्स आकर खड़ा हो गया। जैसे ही तेंदुआ और उसकी निगाह मिली, तेंदुआ डर के पीछे हट गया।
कौन हो तुम? यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? और वो तेंदुआ तुम्हें देखकर डर क्यों गया? सारे सवाल एक साथ ही करोगी या कुछ बात के लिए बचाओगी? वैसे तुम बताओ, यहाँ जंगल में क्या कर रही थी? यदि मैं समय पर नहीं आता तो शायद उस तेंदुए का लंच हो जाता। हाँ वो तो है, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। मगर तुम इतनी गर्मी में ये काले कपड़े क्यों पहने हो? और तुम्हारा चेहरा इस मास्क के पीछे क्यों है? कहते हुए आन्या उसके चेहरे से मास्क हटाने लगी तो आदेश दो कदम पीछे होकर अचानक गायब हो गया। आन्या उसे ढूंढने लगी, तभी प्रोफेसर उसके सामने आए। आन्या कम फास्ट, ठंड के मौसम में यहाँ शाम बहुत जल्दी हो जाती है, अंधेरा होने के पहले हमें रिजॉर्ट पहुँचना है। प्रोफेसर के कहने पर आन्या उनके साथ जाने के लिए आगे बढ़ी, मगर वो मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही थी। आदेश भी चमगादड़ के रूप में उड़ते हुए उसे ही देख रहा था। उसकी नजर उसके कंधे पर लिखे ओम पर गई। तुम सही कह रही थी रतिबाला, वो लड़की यही है इसी जंगल में। उससे तो दोस्ती कर उसे उसकी मर्जी से हवेली के अंदर लेकर जाऊंगा। कहते हुए आदेश जोरों से हंसने लगा। उसकी हंसी की गूंज से पूरा जंगल कांप उठा। रात के घने अंधेरे में आन्या के कमरे में केवल टेबल लैंप जल रहा था, वह किसी बुक को पढ़ रही थी। रतिबाला उड़ते हुए उसके पीछे खड़ी हो गई। उसे पकड़कर उसका खून चूसने के लिए जैसे ही उसकी गर्दन पर झुकी, उसकी गर्दन पर लिखे ओम के कारण उसे तेज झटका लगा। अपने ऊपर किसी के हाथों का एहसास होने पर आन्या अपनी जगह से खड़ी हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। रतिबाला चमगादड़ के रूप में कमरे के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से निकल गई। अगले दिन आदेश दोबारा आन्या के सामने उसी नकाब में खड़ा था। उसे अपने सामने देखकर आन्या मुस्कुराते हुए बोली, अरे आज तुम दोबारा यहाँ, अब किस मुसीबत में मुझे बचाने आए हो? बचाने नहीं, दोस्ती करने आया हूँ। एक मुलाकात के बाद ही दोस्ती, व्हाट अ कॉन्फिडेंस। आप यहाँ पर जंगली जानवरों पर रिसर्च करने आई है ना, तो मुझसे दोस्ती करके आप ऐसे जानवरों के बारे में पता लगा सकती हैं जो ना जानवर है और ना ही इंसान। क्वाइट इंटरेस्टिंग, मगर वो मुझे मिलेगा कहाँ? आन्या की बात सुनकर आदेश को लगा कि आन्या उसकी बातों में आ गई है और वो उसे आसानी से हवेली के अंदर ले जा सकता है। काफी टाइम से जंगल में रह रहा हूँ, इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। भरोसा करके मेरे साथ चल सकती हो, मगर दिन में नहीं, वहाँ रात में चलेंगे। आदेश की बात सुनकर आन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वह रात होने का इंतजार करने लगी। आदेश रिजॉर्ट में आया और उसे अपने साथ हवेली की ओर ले जाने लगा, मगर ना जाने क्यों रतिबाला के मन में एक चिंता आ गई और चमगादड़ के रूप में उड़ते हुए वो उन दोनों पर नजर रख रही थी। आदेश, मुझे तो तुम भी एक अजूबा ही लगते हो, दिन के वक्त नकाब में रहते थे और अब बिना नकाब। इसका राज तो तुम्हें हवेली में जाकर पता चल जाएगा। जंगली जानवरों पर और जंगल में रिसर्च करते करते आन्या ये तो जान गई थी कि किसी अनजान के साथ ऐसे सुनसान जगह पर जाना जान का खतरा भी हो सकता है, मगर उसे उस हवेली का राज जरूर जानना था जिसके बारे में उसने गांव वालों से सुन रखा था। आदेश आन्या के साथ हवेली की ओर बढ़ने लगा। शैतान के लिए बलि आ गई थी इसलिए चमगादड़ों ने उड़कर जश्न मनाया। इतने सारे चमगादड़ को एक साथ उड़ता हुआ देखकर आन्या हैरान हो गई। ओह, पिछले 4 सालों से जंगल में अलग अलग जगह जाकर रिसर्च कर रही हूँ, मगर इतने सारे चमगादड़ एक साथ पहली बार देख रही हूँ। और भी कई सारी चीजें हवेली में पहली बार देखोगी, आओ मेरे साथ। आदेश के कहने पर आन्या मानो यंत्रवत उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। आदेश के पहुँचने पर हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और जैसे ही वे दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए, हवेली का दरवाजा बंद हो गया। हवेली के अंदर पहुंचते ही आन्या को होश आया, क्योंकि शैतान के लिए बलि तभी दी जा सकती थी जब लड़की पूरे होशो हवास में हो। अब आदेश अपनी असली रूप में आ गया था। वेलकम टू माय वर्ल्ड, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था यहाँ पर, अब तुम आ गई हो। इंतजार खत्म, तुम्हारी बलि के बाद मुझे इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए आदेश हंसने लगा। सारे चमगादड़ आन्या के आजू बाजू उड़ रहे थे। रतिबाला कहाँ हो तुम? आ
आज के दिन का तुम्हें इतने बेसब्री से इंतजार था और अभी तुम ही नहीं हो। मगर वो अदृश्य रूप से उन लोगों पर नजर रखी हुई थी। कौन हो तुम और धोखे से मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बलि, दुनिया पर राज, क्या है ये सब? कहते हुए आन्या भी जोरों से हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख आदेश हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। तुम्हें क्या लगा आदेश, तुम मुझे यहाँ लेकर आओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? तुम मुझे यहाँ नहीं लाए हो, मैं मेरी मर्जी से यहाँ आई हूँ। तुम मेरी क्या बलि चढ़ाओगे? आज तुम्हारा अंत निश्चित है। तो सुनो मेरी यहाँ तक आने की कहानी। आज से 10 दिन पहले जब तुमने एक व्यक्ति का खून चूस कर उसका शरीर हवेली के बाहर फेंका था, वो शरीर मेरे गुरुजी को मिल गया था। उस समय मैं गोवा में थी और तभी गुरुजी का फोन आया। आन्या, इस दुनिया पर शैतान का राज कायम होने वाला है, जिसे तुम ही रोक सकती हो। अमावस्या के पहले तुम्हें उस वैम्पायर को मारना होगा। मगर मैं उस वैम्पायर को पहचानूंगी कैसे? वैसे तो वैम्पायर दिन के उजाले में सूर्य की रोशनी से बचने के लिए हमेशा खुद को ढक कर रखते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वह खुद तुम्हें अमावस्या के पहले ढूंढकर अपने ठिकाने पर ले जाएंगे, वही तुम्हें उसका अंत करना होगा। समझे वैम्पायर आदेश, मैं यहाँ पर कैसे आई? जब पहली बार तुम मुझे मिले थे, खुद को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए खुद को पूरा कवर किए हुए थे। तुम यहाँ पर आ तो गई हो, मगर अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाओगी। मैं अमर हूँ, अमर हूँ, मुझे तुम नहीं मार सकती। बस कुछ पल की बात है, जैसे ही 12 बजेंगे तुम्हारी बलि और इस दुनिया पर मेरा राज होगा। कहते हुए आदेश ने बड़े बड़े नाखूनों से आन्या के चेहरे को नोचने लगा। आदेश ने आन्या के चेहरे को नोच कर उसका टपकता हुआ खून पीने लगा और फिर उसे अपने दोनों हाथों की मदद से हवा में उड़ा दिया। आन्या खुद को संभालते हुए जैसे ही जमीन पर वापस आई, आदेश अपने बड़े बड़े दांतों से उसकी गर्दन की ओर बढ़ा। मगर आन्या पहले से ही सचेत थी। उसने अपनी कमर से चांदी की कटार निकाली और उससे आदेश पर वार कर दिया। गुरु जी ने बताया था वैम्पायर को मारने के लिए सूरज की रोशनी और चांदी ही काफी है, शुद्ध चांदी तुम लोग छू नहीं सकते। कहते हुए आन्या दोबारा आदेश पर वार करने लगी तो रतिबाला उन दोनों के बीच आ गई। इस बार घाव रतिबाला को ही हो गया। दोनों वैम्पायर को घायल देखकर सारे चमगादड़ हवेली छोड़कर चले गए। आन्या खुश थी कि एक ही बार में उसने दोनों को मार दिया। वो भी हवेली से बाहर निकल कर आई और हवेली में आग लगा दी। आदेश, तुम्हें जीना होगा। शैतान का राज कायम करने के लिए हम में से किसी एक का बचना जरूरी है। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, मेरा खून पियो और यहाँ से चले जाओ। अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। रतिबाला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आदेश, तुम्हें जाना होगा, जाना होगा तुम्हें। रतिबाला के कहने पर आदेश ने उसकी गर्दन पर अपने दांत लगा दिए। उसे तुरंत वैम्पायर का खून मिल गया था। अब आदेश ठीक था। हवेली के जलने के पहले आदेश हवेली से बाहर निकल गया। एक पेड़ पर उल्टा लटक कर आदेश जलती हुई हवेली को देख रहा था। तुम्हें लौट कर आना होगा रतिबाला। हमें मिलकर इस दुनिया पर शैतान का राज कायम करना है। आओ, लौट कर आओ रतिबाला, आ जाओ। हवेली जल रही थी और दूसरी तरफ दूर कहीं एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके जन्म से ही बड़े बड़े नाखून और दांत थे। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।